एमएल सरफराज साहिबा, ये आज का डिटेल वर्डिक्ट आपके सामने भी है और हम देख रहे हैं कि जो अल्फाज का चुनाव है उस पर बहस जारी है। और अगर अटॉर्नी जनरल साहब की हम बात कर लें तो उन्होंने आकर कहा है कि उनके मुताबिक तो जिस शख्स का दिमागी तवाजुन ठीक ना हो उसे जज नहीं होना चाहिए, जज के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए मैं मेजर्स करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले में पाक अफवाज को भी अटैक किया गया है। अब ये जो डिटेल वर्डिक्ट है इसमें हमारे सामने जो है वकार अहमद सेठ साहब के अल्फाज हैं जो कि इस वक्त तमाम मुल्क में गूंज रहे हैं। जस्टिस नजर अकबर साहब जो हैं उन्होंने डायसेंटिंग नोट लिख दिया है। जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं वो पार्शली साथ नजर आ रही है। इस आज के फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि ये किसी जज को मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ वैसे जो उनके अल्फाज थे, क्योंकि ये एक बड़े बारबेरिक किस्म के अल्फाज हैं। हम 21वीं सदी में और जाहिर बात है इस किस्म की ये जो जस्टिस की बात वो कर रहे हैं ये तो तालिबान वाला जस्टिस है और एक जज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उनको ये कहना कि ही इज नॉट साउंड इन हिज माइंड एंड लाइक वो उनके कोई दिमागी तवाजुन का कोई मसला है, हमें याद करना चाहिए कि ये वही जज हैं जिनकी रूलिंग जो थी जो मिलिट्री कोर्ट को जिन्होंने सेटिसाइड किया था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण के केस में पाकिस्तान की हुकूमत ने पेश किया था। तो क्या तब उनका दिमागी तवाजुन ठीक था जब उनकी रूलिंग जो थी वो पेश की थी ICJ में पाकिस्तान की हुकूमत में? ये ऐसी बातें तो सिर्फ इसलिए ठीक है, मैं उस चीज से बिल्कुल मैं डिसएग्री करती हूँ जो उन्होंने लिखा, लेकिन अगर आप ओवरऑल जजमेंट पढ़े तो एक तो खैर ये ऑर्डर था उनका, ये उनकी कोई वर्डिक्ट का उस तरीके का हिस्सा नहीं है। बिकॉज सबके नोट्स होते हैं हर जज के, जो कंसेंसस वाला वर्डिक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। एनीवे दूसरी चीज ये कि ये एक लाइन की वजह से पूरे के पूरे जो जजमेंट है हम उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। देखिए ये हाई ट्रीजन में वो पकड़े गए हैं और गिल्टी करार दिए हैं, ट्रीजन तो उन्होंने कमिट जो आर्टिकल 6 है उसके लिए वो गिल्टी करार दिए गए हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तो किया था ऐसे। फिर ये दूसरी बात कहना कि पाक फौज के ऊपर उन्होंने इस तरह की, उन्होंने बेसिकली उसके अंदर जिक्र ये किया कि 99 की कूमे एड एंड अबैक किया आर्मी के लोगों की तरफ से। अगर हम उससे पहले तो यही बात हुकूमत भी कह रही है कि जो 2007 की इमरजेंसी है उसके अंदर जो सिविलियन एडर्स एंड डिबेटर्स है जी उनको क्यों नहीं लाया? तो अगर सिविलियन लोग जो है पॉलिटिशियंस हैं उनको अगर आप कह सकते हैं कि उन्होंने एड और अबेट किया और उनको भी ट्राई करे तो फिर अगर जजमेंट में ये चीज लिखी है तो इसमें कोई ऐसी मायूब बात तो नजर नहीं आती। और बात ये कि ये सजा एक सिम्बॉलिक है क्योंकि हमें भी पता है कि उन्होंने आना तो है नहीं वापस, तो ये वाले अल्फाज वाकई बहुत बहुत गलत थे, बहुत खराब थे, हम इनको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन इस इनकी वजह से असल बात तो ये है कि वो आर्टिकल 6 में गिल्टी पाए गए, उस चीज से कोई नोबडी टेक्स अवे फ्रॉम दैट।